बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है पेट सीटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और सीटी। ए पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट दैट कैन हेल्प रिवील द मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ योर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन हमारे जिस्म में मेटाबॉलिक फंक्शनल इमेजिंग है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को इमेज कर सकता है। व्हाइल अ सीटी स्कैन यूजेस एक्सरे टू इमेज एनाटॉमी, जबकि सीटी स्कैन एनाटॉमी को 3D में इमेज कर सकता है। सीटी स्कैन की वीडियो में पहले बना चुका हूँ, पेट MRI की भी बना चुका हूँ, उसमें पेट का एक हल्का सा टच दिया हुआ है। पेट सीटी इज़ अ हाइब्रिड इमेजिंग मोडलिटी दैट कम्बाइन बोथ न्यूक्लियर गैमा कैमरा एंड सीटी मशीन टू इमेज एनाटॉमी एट मेटाबॉलिक लेवल, या उसको बायोकेमिकल लेवल भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ पेट सीटी स्कैनिंग? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड पेट इमेजिंग और पेट स्कैन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। न्यूक्लियर मेडिसिन यूजेस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल कॉल्ड रेडियो ट्रेसर्स या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बोलते हैं। डॉक्टर यूज न्यूक्लियर मेडिसिन टू डायग्नोस इवेलुएट एंड ट्रीट वेरियस डिसीजेस। इसमें हम ट्रीट भी कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिंग नहीं है, ये थेरेप्यूटिक भी है। दीज इंक्लूड कैंसर, हार्ट डिजीज, GI, एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस। साइक्लोट्रॉन में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल या रेडियो ट्रेसर्स को तैयार करते हैं, रेडियो केमिस्ट्री कहलाता है ये अमल, फिर इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, उसको गैमा कैमरा के अंदर डालते हैं। कुछ देर के बाद जितना उसकी हाफ लाइफ का टाइम होता है, अक्सर 2 से 3 घंटे के दरमियान ये प्रोसेस होता है, फिर उनमें से गैमा रेज एमिट होती हैं, जिनको गैमा कैमरा के ज़रिए हम कैप्चर करके इमेज बना लेते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जाम पिन पॉइंट मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, दिस गिव्स देम द पोटेंशियल टू फाइंड डिजीज इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज। क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी मॉलिक्यूलर लेवल पे बता रही है, इसलिए हम किसी बीमारी के शुरू होने से पहले ही या बिल्कुल शुरू के स्टेज पे हम उसको पकड़ सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो शो वेदर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। अगर हम किसी कैंसर की कीमोथेरापी कर रहे हैं, रेडियोथेरापी कर रहे हैं, तो वो भी हमें दिखा देगी। न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ नॉन इन्वेसिव, इसमें सिर्फ वही इन्वेसिव प्रोसेस है जो हम IV इंजेक्शन लगाएंगे, इसके अलावा उसमें कोई इन्वेसिव नहीं है। एक्सेप्ट फॉर IV इंजेक्शन इट इज़ यूजली पेनलेस। दीज टेस्ट यूज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कॉल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो ट्रेसर्स और हेल्प डायग्नोस एंड असेस मेडिकल कंडीशन। ये पेट सीटी का एक कंसोल ऑफिस से इमेज बनाया गया, अंदर पेट सीटी की मशीन है और ये कंप्यूटर उसका कंसोल। रेडियो ट्रेसर्स क्या हैं? और मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टू और लेबल्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ज़्यादातर टेक्नीशियम इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह सारे ही रेडियो ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। दे एक्युमुलेट इन ट्यूमर्स और रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन, हॉट स्पॉट्स बोलते हैं जिनको, वहाँ पे जिस तरह ट्यूमर में ब्लड एक्टिविटी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए रेडियो एक्टिव वहाँ पे ज़्यादा एक्युमुलेट होते हैं। तो जिस जगह पे रेडियो ट्रेसर ज़्यादा एक्युमुलेट हों उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन इन द बॉडी। द मोस्ट कॉमन रेडियो ट्रेसर इज फ्लोरीन 18। ए मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू ग्लूकोज, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, इसको बाइंड करके फंक्शनल इमेजिंग में हम इमेज कर सकते हैं। कैंसर सेल आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड मे अब्जॉर्ब ग्लूकोज एट ए हायर रेट। दिस हायर रेट कैन बी सीन ऑन पेट स्कैन। दिस अलाउज योर डॉक्टर टू डिटेक्ट डिजीज बिफोर इट मे बी सीन और अदर इमेजिंग टेस्ट। FDG इज जस्ट वन ऑफ मैनी रेडियो ट्रेसर यूज और इन डिवेलपमेंट। ये इस तरह की बोतलों में इनको रखा जाता है, ये 1 mCi, 2 mCi, 3 mCi या जो भी है इसका डोज बताई गई है। वैसे बैक्यूरल भी इसका यूनिट है। यू विल यूजली रिसीव द रेडियो ट्रेसर इन एन इंजेक्शन, यानी कि पेशेंट को लगाएंगे और यू मे स्वालो इट और इनहेल इट एज अ गैस। स्वालो भी करा सकते हैं, इनहेल भी करा सकते हैं, जिस तरह हम दूसरे कंट्रास्ट देते हैं इमेजिंग में, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम। इट एक्युमुलेट्स इन द एरिया अंडर एग्जामिनेशन। स्पेशल कैमरा डिटेक्ट्स गैमा रे एमिशन फ्रॉम द डिटेक्टर। गैमा कैमरा है
ये मेरी वीडियो गैमा कैमरा पे डिटेल से बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं। द कैमरा एंड कंप्यूटर प्रोड्यूस पिक्चर्स एंड सप्लाई मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन। मैनी इमेजिंग सेंटर कंबाइन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज विद सीटी और एमआरआई टू प्रोड्यूस स्पेशल व्यूज। पेट एमआरआई की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज़ कॉल्ड इमेज फ्यूजन और को रजिस्ट्रेशन, यानी कि सीटी का और पेट का इमेज आपस में मिला देना, इसको फ्यूजन या फिर को रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। इस तरह एमआरआई का भी इमेज फ्यूजन अलाउज द डॉक्टर टू कनेक्ट एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट एग्जाम ऑन वन इमेज। अच्छा, को रजिस्ट्रेशन और ये फ्यूजन उस सूरत में करते हैं जब अलग अलग एग्ज़ाम किया हो, सीटी के इमेज और साथ ही पेट के इमेज, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये को रजिस्ट्रेशन कहलाएगा या इस तरह एमआरआई। लेकिन एक ही इमेजिंग में हाइब्रिड मोडलिटी जो है पेट सीटी या पेट एमआरआई, वो फिर को रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाएगा, वो इमेज ही कहलाएगा। फंक्शनल इमेजिंग, फंक्शनल पेट की वजह से और इमेजिंग सीटी की वजह से। ए पेट स्कैन मेजर इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स डॉक्टर इवेलुएट हाउ वेल ऑर्गन्स एंड टिश्यू आर फंक्शनिंग। सीटी इमेजिंग यूज स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट एंड इन सम केसेस कंट्रास्ट मटेरियल टू प्रोड्यूस मल्टीपल इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ये पहले सीटी का लेक्चर हो चुका है। मल्टीपल इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, रेडियोलॉजिस्ट व्यूज एंड इंटरप्रेट्स दीज इमेज ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर। सीटी इमेजिंग प्रोवाइड एक्सलेंट एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन, 3D में दिखा सकते हैं तमाम व्यू से, स्लाइसिस में, ट्रांसफर स्लाइसिस में, ओब्लिक स्लाइसिस में, किसी भी तरह की स्लाइस बना के दिखा सकते हैं। कंबाइंड पेट सीटी स्कैनर परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल पेट स्कैन टुडे, दीज कंबाइंड कैन हेल्प पिन पॉइंट अबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड मे प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डायग्नोस देन द टू स्कैन परफॉर्म सेपरेटली। ये फंक्शनल इमेजिंग है, सीटी से इमेज बनाया हुआ है और ये हॉट स्पॉट्स, ये जो ज़्यादा एक्टिविटी वाले हैं वो दिखाए गए। इंडिकेशन क्या है पेट सीटी की, डिटेक्ट कैंसर एंड मेक डायग्नोसिस टू डिटरमिन वेदर ए कैंसर हैज स्प्रेड इन द बॉडी, जिसको स्टेजिंग भी कहते हैं। स्टेजिंग खैर सीटी में हो जाती है, लेकिन ये फंक्शनल इमेजिंग है तो इससे कैंसर अर्लीस्ट स्टेज पे भी डायग्नोस हो जाते हैं। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, डिटरमिन इफ कैंसर हैज रिटर्न आफ्टर ट्रीटमेंट, एवेलुएट प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब चांस ऑफ रिकवरी, के रिकवरी होनी है या नहीं होनी, या कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है वगैरह वगैरह। असेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड वायबिलिटी, जिस तरह FDG ब्रेन इमेजिंग में इस्तेमाल होता है। डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ ए हार्ट अटैक ऑन एरियाज ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द हार्ट मसल दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कैबेज इन कम्बिनेशन विद अ मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, दोनों को मिलाएंगे तो ये असेस कर सकते हैं। इवेलुएट ब्रेन अबनॉर्मलिटी सच एज ट्यूमर, मेमोरी डिसऑर्डर, सीजर एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, मैप नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन एंड हार्ट फंक्शन वगैरह वगैरह। प्रेपरेशन कैसे करेंगे, टेल योर डॉक्टर इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी यू आर प्रेगनेंट और यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंट हैं तो फिर साफ़ सीटी तो नहीं कर सकते हम किसी सूरत भी, सीटी में एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं जो कि फीटस के लिए नुकसानदेह हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग है तो फिर साफ़ ये जो लगाएंगे हम रेडियो ट्रेसर, ये अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकता है फीडिंग के जरिए बेबी को। योर डॉक्टर विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ योर एग्जाम, डिस्कस एनी रिसेंट इलनेस, मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन यू आर टेकिंग इंक्लूडिंग वाइटामिन, हर्बल सप्लीमेंट्स एंड एलर्जीज स्पेशली टू कंट्रास्ट मेटल वगैरह वगैरह, सब कुछ डॉक्टर को पहले बताना। हिस्ट्री में ये सब कुछ होता है जो परफॉर्मर देते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। योर डॉक्टर विल लाइकली टेल यू नॉट टू ईट एनीथिंग फॉर सेवरल आवर्स बिफोर योर एग्जाम। फास्टिंग में करते हैं, ईटिंग मे ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट ट्रेसर इन योर बॉडी एंड कैन लीड टू सब ऑप्टिमल स्कैन, स्कैन अच्छे से नहीं होगा फिर। जिस तरह GB का अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं गॉल ब्लैडर का तो फिर फास्टिंग में कराते हैं, या फिर KUB का स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो फुल ब्लैडर में करते हैं, तो इस तरह इसकी भी तैयारी है। यू शुड नॉट ड्रिंक एनी लिक्विड कंटेनिंग शुगर और कैलोरी फॉर सेवरल आवर्स बिफोर द स्कैन, इंस्टेड यू आर इंकरेज टू ड्रिंक वाटर, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लीव ज्वेलरी एट होम एंड वेयर लूज कंफर्टेबल क्लॉथिंग, यू मे वेयर ए गाउन ड्यूरिंग द एग्जाम और बी अलाउड टू वेयर योर ओन क्लोथिंग, यू मे नीड टू रिमूव हेयरिंग एड्स एंड रिमूवेबल डेंटल वर्क, लीव मेटल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी, आई ग्लास, डेंचर एंड हेयर पिन एट होम एज दे मे अफेक्ट सीटी इमेज, सीटी इमेज में ये फॉरेन बॉडी आ सकती है। डायबिटिक पेशेंट विल रिसीव स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, योर डॉक्टर विल चेक फॉर एनी कंडीशन यू मे हैव दैट कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिसीविंग IV कंट्रास्ट मटेरियल, अगर उससे एलर्जी होगी तो फिर कोई दूसरा कंट्रास्ट लगा सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं या कोई स्पेशल तैयारी करा सकते हैं। पेट सीटी मशीन किस तरह की होती है, पेट स्कैनर इज़ अ लार्ज मशीन विद अराउंड
विद ए राउंड डोनट शेप होल इन द मिडल। सिटी की तरह होती है, सेम सेम जिस तरह सिटी की एंट्री होती है। इट लुक लाइक ए सिटी और एमआरआई यूनिट मल्टीपर्पिंग ऑफ डिटेक्टर इनसाइड द मशीन रिकॉर्ड द एनर्जी एमिशन फ्रॉम द रेडियो ट्रेसर्स इन योर बॉडी। गैमा कैमरा लगा होता है, गैमा कैमरा के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, वो पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है। सिटी स्कैनर इज टिपिकली लार्ज डोनट शेप मशीन विद अ शॉर्ट टनल इन द सेंटर। यू विल लाई ऑन अ नैरो टेबल दैट स्लाइड्स इन एंड आउट फॉर दिस शॉर्ट टनल। रोटेटिंग अराउंड यू द एक्सरे ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे डिटेक्टर जो सिंटिलेशन होते हैं आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर इन अ रिंग कॉल्ड गैंट्री। आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ये मूवमेंट रोटेट रोटेट टाइप या रोटेट स्टेशनरी टाइप या जो भी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन है सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है। द कंप्यूटर वर्क स्टेशन दैट प्रोसेस द इमेजिंग इन्फॉर्मेशन इज इन अ सेपरेट कंट्रोल रूम, उसको कंसोल रूम भी कहते हैं। दिस इज़ वेयर द टेक्नोलॉजिस्ट ऑपरेट द स्कैनर एंड मॉनिटर योर एग्जाम एंड डायरेक्ट विजुअल कॉन्टैक्ट। दरमियान में शीशा लगा होता है जिसमें लेडर ग्लास लगा होता है, शीशा या लेडर ग्लास होता है। द टेक्नोलॉजिस्ट विल बी एबल टू हेयर एंड टॉक टू यू यूजिंग अ स्पीकर एंड माइक्रोफोन। खुदा ना खास्ता अंदर आपको कोई एमरजेंसी हो जाए तो टेक्नोलॉजी से आपको सुन सकता है, वहाँ पे माइक और स्पीकर लगे होते हैं। कंबाइंड पेट सिटी स्कैनर लुक सिमिलर टू बोथ द पेट एंड सिटी स्कैनर, एक ही तरह के होते हैं। कंप्यूटर क्रिएट्स द इमेज यूजिंग द डाटा फ्रॉम द गैमा कैमरा और एनाटॉमी इमेज करता है सिटी से। इस तरह के लिए साइमन की मशीन है पेट सिटी। How does the procedure work? Nuclear medicine uses radioactive material called radiopharmaceutical radiotracers. Your doctor typically inject this material into your bloodstream. Inhale भी कर सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और you may swallow it or inhale it as a gas. The material accumulates in the area under examination with where it gives off gamma rays. Gamma rays emit करेगा, special camera, gamma camera होता है जिसकी detail video available है, detect this energy and with the help of a computer create picture and detail how your organs and tissues look and function. फंक्शनल इमेजिंग आएगी पेट से और लुक वाली इमेजिंग एनाटॉमी आएगी सीटी से। पेट स्कैन ओनली यूज रेडियो ट्रेसर इंजेक्शन अनलाइक अदर इमेजिंग टेक्निक। न्यूक्लियर मेडिसिन फोकस एंड ऑन प्रोसेसेस विद इन द बॉडी, दीज इंक्लूड रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और लेवल ऑफ वेरियस अदर केमिकल एक्टिविटीज। एरियाज ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स, पहले बता चुका हूँ। दीज मे शो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो ट्रेसर एंड वेयर देयर इज़ ए हाई लेवल ऑफ केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी रेडियो ट्रेसर वहाँ पर ज़्यादा जमा हो जाएंगे, वो हॉटस्पॉट कहलाएगा। लेस इंटेंस एरियाज और कोल्ड स्पॉट्स इंडिकेट अ स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर एंड लेस एक्टिविटी। ये जिस तरह ये ब्लैक ब्लैक दिखाए गए हैं इसमें, या इसमें ये जो येलो येलो दिखाए गए हैं ये हॉटस्पॉट्स हैं, ये कोल्ड स्पॉट्स हैं, ये एरिया ऑफ लेस एक्टिविटी है। How the procedure is performed? Patient lies on the exam table. If necessary, a nurse or technologist will insert an IV catheter into a vein in your hand or arm. Pets can only use radio tracer injection. The radio tracer typically takes about 30-60 minutes to travel through your body and be absorbed by the area under examination. Patient will be asked to rest quietly and to avoid movement and talking. Patient may be asked to drink some contrast material that will localize in the intestine and help the radiologist in interpreting the exam. जिस तरह डबल कंट्रास्ट देते हैं सीटी अब्डोमन की तैयारी के दौरान। पेशेंट विल बी मूव्ड इनटू द पेट सीटी स्कैनर टू बिगिन इमेजिंग एंड विल नीड टू रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द इमेजिंग। अंडर सीटी एग्जाम टेक्स प्लेस फर्स्ट फॉलोड बाय द पेट स्कैन। ऑन ओकेजन ए सेकंड सीटी स्कैन विद आईवी कंट्रास्ट विल फॉलो द पेट स्कैन। The CT scan takes less than 2 minutes. The PET scan can takes up to 20 से 30 minutes के दौरान, बाज़ अवकात ज़्यादा भी होता है। टोटल स्कैनिंग टाइम इज़ यूजली अबाउट 30 मिनट, वैसे तकरीबन घंटा दो घंटे तक लग ही जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन विच एरिया इज अंडर एग्जामिनेशन एडिशनल टेस्ट इन्वॉल्विंग अदर ट्रेसर और ड्रग मे बी यूज। दिस कोड लेंथन द प्रोसीजर टाइम टू 2-3 आवर्स। For example, if you are examined for heart disease, you may undergo a PET scan both before and after exercising or before and after receiving IV medication that increase blood flow to the heart. After the exam, you may need to wait until the technologist determines if more images are needed. तकरीबन 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। Sometimes the technologist take more image to clarify or better visualize certain areas or structure. बाद में दोबारा imaging करनी पड़ती है। The need for more image does not necessarily mean there was a problem with the exam or that something is abnormal.
If you have an IV line for the procedure, your technologist will usually remove it. The technologist will leave it in place. If you are to have another procedure the same day that requires IV line, अगर उसी दिन में कोई और procedure होना है तो IV line लगी रहने देंगे, नहीं तो फिर निकाल देंगे. What will patient experience during and after the procedure? Except for IV injection, most nuclear medicine procedure are painless. Reports of significant discomfort or side effects are rare. You may feel a cold sensation moving up your arm during the radiotracer injection. इंजेक्शन लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ठंडा ठंडा जा रहा है. जनरली देयर आर नो साइड इफेक्ट्स. विद सम प्रोसीजर द टेक्नोलॉजिस्ट मे प्लेस अ कैथेटर इनटू योर ब्लैडर. दिस मे कॉज टेम्पररीली डिस्कम्फर्ट. कैथेटर डालेंगे तो वैसे भी डिस्कम्फर्ट है वो पेट के अलावा भी. न्यूक्लियर इमेजिंग कॉज नो पेन. हाउएवर हैविंग टू रिमेन स्टिल और इन पोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड मे कॉज डिस्कम्फर्ट. If you have a fear of closed spaces, claustrophobia, जिस टाइम MRI में ज़्यादा होता है, इसमें तो बहुत छोटी सी गेंट्री है, इतना कोई लंबी गेंट्री नहीं है. You may feel anxious during the exam unless doctor tells you otherwise. Patient may resume in normal activity after exam. डॉक्टर से पूछे बगैर कोई हरकत नहीं करनी. हरकत का मतलब ये है कि चलना फिरना नहीं, ये नहीं है. उसका मतलब ये है कि कोई हैवी काम नहीं करना. टेक्नोलॉजिस्ट, नर्स और डॉक्टर विल प्रोवाइड यू विद नेसेसरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन बिफोर यू लीव. The smallest amount of radiation in your body will lose its radioactivity over time through the natural process of radioactive decay. आहिस्ता आहिस्ता वो सारा निकल जाएगा. It may also pass out of your body through your urine, stool during the first few hours or days after the test. Drink plenty of water to help flush the material out of your body. FDG है तो उसकी half life 2 घंटे निकल जाएगा. अगर कोई technician है तो वो कुछ time लगा लेगा निकलने में. Who interprets the results and how do I get them? ये reporting कौन करता है? एक radiologist करता है reporting, या वो doctor जिसने special training ली हुई थी और वो आपके physician को refer कर भी देता है. Benefits versus risk. Nuclear medicine exam provide unique information that is often unattainable using other imaging procedure, जो कि functional imaging है. This information may include details on the function and anatomy of the body structure. Function आएगा nuclear medicine से और anatomy आएगी CT से. Nuclear medicine scan is less expensive and may yield more precise information than exploratory surgery. Surgery से ये बहुत कम कीमत में है, patient की फायदा में भी है. By identifying changing in the body at the cellular level, PET imaging may detect the early onset of disease before it is evident on other imaging tests such as CT or MRI. पेट बीमारी को जल्दी से पकड़ लेती है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे फंक्शनल इमेजिंग करती है. द बेनिफिट ऑफ ए कंबाइंड पेट सीटी स्कैन इंक्लूड ग्रेटर डिटेल विद अ हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी. क्योंकि पेट की कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत कम है, सीटी की बहुत ज़्यादा है. बिकॉज बोथ स्कैन आर परफॉर्म एट द सेम टाइम विदाउट द पेशेंट हैविंग टू चेंज पोजिशन, देयर इज लेस रूम फॉर एरर. ग्रेटर कन्वीनियंस फॉर द पेशेंट हु अंडरगो सीटी एंड पेट एट वन टाइम रेदर देन टू डिफरेंट टाइम्स. पेशेंट को एक ही जगह पे दोनों रेस्टरूम मिल जाते हैं. रिस्क क्या है? बिकॉज न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जाम यूजुअली यूजेस ओनली स्मॉल डोज ऑफ रेडियोट्रेसर, दे हैव रिलेटिवली लो रेडिएशन डोज. दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर डायग्नोस्टिक एग्जाम. दस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जाम वे आउटवे द वेरी लो रेडिएशन रिस्क. डॉक्टर हैव बीन यूजिंग न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर मोर देन 6 decades. 1946 से शुरू हुआ था. There are no known long term adverse effects from such low dose exposure. X-ray में भी पहले बहुत ज़्यादा रिस्क आते थे लेकिन अब वो बहुत कम है. जदीद मशीनें हैं, पेशेंट डोज बहुत कम है. योर डॉक्टर ऑलवेज वेज द बेनिफिट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनी रिस्क और डिस्कस द सिग्निफिकेंट रिस्क प्रायर टू ट्रीटमेंट एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क एग्जाम. पहले उसके बेनिफिट रिस्क आपस में कंबाइन करते हैं, देखते हैं, फिर जो ज़्यादा हो उसी तरफ जाते हैं. बेनिफिट ज़्यादा तो फिर करते हैं, रिस्क ज़्यादा हो तो फिर नहीं करते. एलर्जिक रिएक्शन टू रेडियोडोसर आर एक्सट्रीमली रेयर एंड यूजुअली माइल्ड. ऑलवेज टेल द न्यूक्लियर मेडिसिन पर्सनल अबाउट एनी एलर्जीज. डिस्क्राइब एनी प्रॉब्लम यू मे हैव हैड ड्यूरिंग प्रीवियस न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जाम. द रेडियोडोसर इंजेक्शन मे कॉज स्लाइट पेन एंड रेडनेस. दिस शुड रैपिडली रिजॉल्व. जल्दी से ख़त्म हो जाता है. एलर्जिक हो सकता है, पहले आपने कोई स्कैन कराया है उसमें कोई मसला है तो वो भी बता दें. तो ये सारे मसले माइल्ड से हैं और जल्दी हल होने वाले हैं. लिमिटेशन क्या है? NM प्रोसीजर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. 2 से 3 घंटे लगते हैं. इट कैन टेक सेवरल आवर्स और 2 डेज फॉर द रेडियोडेसर टू अकोमोडेट इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट.
जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो फिर उसको डेज भी लग जाते हैं। इमेजिंग में टेक अप टू सेवरल आवर्स टू परफॉर्म इन सम केसेस न्यूअर इक्विपमेंट कैन सस्टेनली शॉर्टन द प्रोसीजर टाइम। द इमेज रेजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेटल इमेज मे बी नॉट एज हाई एज दैट ऑफ सीटी और एमआरआई। सीटी 7 शामिल कर देते हैं फिर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत बढ़ जाती है। हाउएवर न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन आर मोर सेंसिटिव फॉर ए वैरायटी ऑफ इंडिकेशन। फंक्शनल इमेजिंग द फंक्शनल इन्फॉर्मेशन दे यील्ड इज ऑफन अनऑब्टेनेबल यूजिंग अदर इमेजिंग टेक्निक्स। बहुत फ़ायदेमंद है ये। खून के अंदर शुगर या इंसुलिन का लेवल कम ज़्यादा हो जाए तो इमेजिंग में ये कमी ज़्यादा हो सकती है। द रेडियो टेस्ट डिकेज क्विकली एंड इज इफेक्टिव फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। थोड़ी टाइम के लिए इमेजिंग कर सकते हैं, जितनी उसकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, फिर इमेजिंग करने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए टाइम पे आना पड़ता है। लेट अराइवल फॉर एन अपॉइंटमेंट मे रिक्वायर यू टू रीशेड्यूल द प्रोसीजर। ए वेरी ओबेस पर्सन मे नॉट फिट इन टू द ओपनिंग आवर ऑफ ए कन्वेंशनल पेट सिटी यूनिट। की पेशेंट बहुत मोटा होगा तो गैंट्री के अंदर ही नहीं जा सकेगा, ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। इस तरह की